हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर इंडिया स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 12वीं के लिए अकाउंट में सेकंड भाग का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ, डिबेंचर के हिसाब। उसमें फिफ्थ टॉपिक है डिबेंचर निर्गमित करते संबंधी हिसाबी असरें। डिबेंचर निर्गमित करते संबंधी रीत या व्यवहार तथा खातों के नाम लगभग शेयर पूंजी से संबंधित व्यवहारों जैसे ही रहते हैं, जैसे कि डिबेंचर आवेदन खाता, डिबेंचर आमदन खाता, डिबेंचर मांग खाता वगैरह। डिबेंचर के आगे हमेशा उस पर का ब्याज दर्शाया जाता है। अलग अलग संजोगों में डिबेंचर निगमित संबंधी कंपनी के बही में निम्नलिखित प्रविष्टियां पारित की जाती है। ए, डिबेंचर मूल कीमत से निगमित करना, जब डिबेंचर पर की रकम एक साथ मंगाई जाए तब। पहला, बैंक खाता उधार प्रतिशत के डिबेंचर आवेदन आमदन खाते का प्रतिशत के डिबेंचर आवेदन आमंत्रण खाता उधार डिबेंचर खाते का, ये दूसरी एंट्री है। उदाहरण के तौर पर कंपनी ने रुपये 100 का एक ऐसे 9% के 8,000 डिबेंचर निर्गमित किए, उस पर की रकम एक साथ आवेदन के साथ मंगाई गई थी जो मिल गई थी। पहला, बैंक खाता उधार 9% के डिबेंचर आवेदन आमंत्रण खाते का 100 × 8,000 माने कि 8 लाख। दूसरी एंट्री हो गई, रुपये 9% के डिबेंचर आवेदन आमंत्रण खाता उधार 9% के डिबेंचर खाते का, उसमें भी 8 लाख रुपये। टिप्पणी, जब कंपनी द्वारा डिबेंचर की संपूर्ण रकम आवेदन के साथ ही मंगाई जाए तब वह रकम डिबेंचर आवेदन आमंत्रण खाते जमा की जाती है। जब डिबेंचर पर किस्तों में रकम मंगाई जाए तब। डिबेंचर निर्गमित करते समय निम्नलिखित प्रविष्टियाँ पारित की जाएगी। यहाँ पर डिबेंचर पर ब्याज का दर 9% ही है, ऐसा हम धारण कर सकते हैं। अब आवेदन की रकम मिले तब बैंक खाता उधार 9% के आवेदन खाते का आवेदन की रकम डिबेंचर खाते ले गए, अर्थात कि डिबेंचर स्वीकृत किए गए तब 9% के डिबेंचर आवेदन खाता उधार 9% डिबेंचर खाते का। तीसरा, अस्वीकृत किए गए आवेदन की रकम आवेदकों को वापस की जाए तब 9% के डिबेंचर आवेदन खाता उधार रोकड़ बैंक खाते का। फोर्थ नंबर में, अंशतः स्वीकृति आवेदन पर भी अतिरिक्त आवेदन की रकम आमरण खाते ले जाई जाए तब 9% के डिबेंचर आवेदन खाता उधार डिबेंचर खाते का। पांचवा, जब आमरण की रकम मिले तब 9% के डिबेंचर आमरण खाता उधार 9% डिबेंचर खाते का, और आमरण की रकम मिले तब बैंक खाता उधार 9% के डिबेंचर आमरण खाते का। सातवां, जब मांग किस्त की पर रकम मंगाई जाए तब 9% के डिबेंचर मांग खाता उधार 9% डिबेंचर खाते का, और जब मांग पर की रकम मिले तब बैंक खाता उधार 9% डिबेंचर मांग खाते का। उदाहरण देखते हैं बच्चों, अशोक मिल्स लिमिटेड ने रुपये 100 का एक ऐसे 8,000 डिबेंचर आम जनता के लिए निर्गमित किए थे। डिबेंचर पर वार्षिक 8% की दर से ब्याज देना है। प्रति डिबेंचर निम्नलिखित रकम मंगाई गई थी, आवेदन के साथ ₹30, आमरण के साथ ₹40, मांग के साथ ₹30। कंपनी को 10,000 डिबेंचर के लिए आवेदन पत्र मिले, 8,000 डिबेंचर स्वीकृत किए गए, अतिरिक्त डिबेंचर आवेदन पत्र अस्वीकृत करके आवेदकों को रकम वापस की, डिबेंचर पर मंगाई आमंत्रण और रामान की रकम संपूर्णतः मिल गई। कंपनी के बही में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो अशोक मिल्स लिमिटेड की बही में प्रविष्टियाँ हम लोग पहली एंट्री करेंगे, बैंक खाता उधार 8% डिबेंचर आवेदन खाते का 10,000 × 30 यानी 3 लाख रुपये, 8% के डिबेंचर खाता उधार 8% के डिबेंचर खाते का और बैंक खाते का। तो ये जो बच्चों 2,40,000 है, ये हम लोग जो है डिबेंचर खाते ले जाएंगे 8,000 × 30 के हिसाब से, और अतिरिक्त 2,000 × 30 जो 60,000 हमको एक्स्ट्रा मिले वो हम वापस लौटा देंगे। एंट्री नंबर 3, 8% के डिबेंचर आमंत्रण खाता उधार 8% के डिबेंचर खाते का 8,000 × 40 रुपये यानी 3,32,000, और आमंत्रण की रकम मिल गई हो संपूर्ण तो बैंक खाता उड़ा 8% के डिबेंचर आमंत्रण खाते का। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर एंट्री, 8% के डिबेंचर मांग खाता उड़ा 8% के डिबेंचर खाते का, उसमें 8,000 × 30 करेंगे क्योंकि 30 रुपये मांग के हैं, और अगर ये रकम भी आपको मिल जाती है तो हम लिखेंगे बैंक खाता उधार 8% के डिबेंचर मांग खाते का। और इतना सवाल करने के बाद आपको टोटल करना है 17,20,000, उधार और जमा दोनों का समान आना जाना चाहिए।